वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, आइडिया हो ही गया होगा, तो ये कुकिंग ब्लॉग होने वाला है। एक्चुअली यू नो आई लव कुकिंग, तो मैं बहुत सारा खाना जितना भी होता है बाहर जो हम खरीदते हैं वो मैं घर में ही बनाती हूँ मोस्टली, मतलब बाहर भी खा कर आते हैं। तो ये मैंने नूडल्स बनानी थी। नूडल्स मेरी बहुत फेवरेट है। ये मेरी अप्पी मार्केट गई थी तो वो ये पैकेट खरीद के लेकर आ गई थी। तो हमें पहले क्या करना है, ये नूडल्स का पैकेट, इसको हमें बॉईल करना है। हम ना एक कढ़ाई में या किसी वोक में, पैन में हम पानी को गर्म कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें अपनी नूडल्स डाल देंगे। वैसे मैंने इसको ब्रेक नहीं किया, ऐसे ही मैं इसको बॉईल होने दिया था। हमें लाइक यू नो 100% इसको बॉईल नहीं करना, लाइक थोड़ा सा 80% अराउंड इसको करना है। इसके बाद जब इसमें ऑयल और सॉल्ट आपको ऐड करना है। मैंने भी इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था, ऑयल से अच्छे से कुक हो जाती हैं। वैसे ये आई थिंक मैंने लाइक अराउंड 1 टीस्पून आप इसमें ऑयल डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, और उतना ही सॉल्ट भी। तो आई थिंक सॉल्ट वाला स्टेप हमने शूट नहीं किया, वो मिस हो गया। बट आप जब इसको बॉईल करें, तो अगर आप पैकेट वाली नूडल्स ले रहे हैं तो उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। तो ये वेजिटेबल्स हैं कैबेज, कैरेट्स और अनियन एंड कैप्सिकम। और यहाँ पे मुझे मंचूरियन भी बनाना था, तो उसके लिए मैंने वेजिटेबल्स अलग तरीके से बारीक वाली चॉप की थी। इधर गार्लिक और जिंजर थी ग्रेटेड, और चॉप्ड गार्लिक, और साथ में रेड चिली। ये जो रेड चिलीज़ हैं, इसके मैंने जो अंदर वाले बीज होते हैं वो मैंने निकाल लिए थे, और ये वाले वेजेस जो थे ये मंचूरियन की सॉस के लिए थे। तो एक कढ़ाई में ना हमने सारे वेजेस, लहसुन और वो डालने के बाद रेड चिली, हमें वेजिटेबल्स डालने थे। हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करने हैं, आपने देखा ही होगा नूडल्स तो सबने ही बनाई होती हैं, तो ये थोड़ा मेरा स्टाइल था। फिर मैंने इसमें रेड चिली सॉस, सोया सॉस और ये सब ऐड किया था, और ये मैं ना फोक से मिलाती हूँ, उससे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। तो मैंने इसी पैन में अब मैं मंचूरियन की तैयारी कर रही हूँ। मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक दोनों डाल के अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था। वैसे यू नो मंचूरियन हमारे घर में ज़्यादातर किसी को नहीं पसंद, मुझे ही पसंद है, तो मैंने अपने लिए ही बनाया था। इसमें मैंने सारी सॉसेज ऐड कर ली थी, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, और यही बेसिकली मेन सॉसेज हैं जो उसमें डलती हैं, और थोड़े से वेजिटेबल्स, क्योंकि मैं बहुत कम क्वांटिटी में मंचूरियन बना रही थी अपने लिए सिर्फ। फिर इसमें पानी डाला मैंने, सॉल्ट डाला, और यूजली लोग अजीनोमोटो भी डालते हैं बट वो मैं नहीं डालती। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, लाइक 2 कटोरीज डाला होगा, उसको कुक होने दिया। और इसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई थी। इसमें कॉर्नफ्लावर और मैदा 1 टीस्पून वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। अच्छा, क्या आप लोगों को पसंद है मंचूरियन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आई डोंट नो वाई मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर वेज मंचूरियन ही खाती हूँ, चिकन मंचूरियन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ना मैंने बनाया। अगर मैं बनाऊँगी तो मैं उसको शूट ज़रूर करूँगी। फिर इसके बाद ये मैंने मंचूरियन बॉल्स को ना फ्राई कर लिया था। ये आप देख रहे होंगे सिर्फ 5 बॉल्स है, ये सिर्फ मैंने ही खाई थी, ट्रस्ट में किसी ने नहीं खाया, कोई खाते ही नहीं है यार मंचूरियन। आई डोंट नो व्हाई क्यों लोगों को मंचूरियन नहीं पसंद, क्योंकि पसंद नहीं है हमें। और ना इसमें ना मेरे पास स्प्रिंग अनियंस नहीं थी, वो होती तो बहुत अच्छा लगता, बट वो नहीं थी। तो मेरी नूडल्स थी ये थोड़ी मैंने स्ट्रीट स्टाइल में बनाई थी, और क्या कहते हैं, ये बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैंने ये थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए, और ये मेरी ही प्लेट है, और मैं सबसे ज़्यादा नूडल्स खाती हूँ क्योंकि ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ओके, तो ये मेरी मंचूरियन है। मुझे तो अभी भी खाने का मन कर रहा है, लग रहा है मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। हाँ, तो ये देखें, ये कर दीजिए, ये मेरी अप्पी हैं जो पीछे से बोल रही हैं। और हाँ, इस व्लॉग में ये तो मेरे खाने का इंतज़ाम। फिर हमने ये पिज़्ज़ा बनाया था, एक्चुअली हम अपनी नीस के यहाँ जा रहे थे, तो ये पिज़्ज़ा डो भी मैंने घर में बनाया था, और हमने बर्गर, हमने सोचा हम जा रहे हैं तो कुछ लेके जाएं, तो हमने ये बर्गर और पिज़्ज़ा उनके लिए बनाए थे और हम ये लेके गए थे।
देखे ना पिज़्ज़ा मेरा कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत टेस्टी बना था। और साथ में घर के लिए हम ये प्लेन राइस बना रहे थे, दाल मम्मी बना के गई थी, वो एक्चुअली चली गई थी, तो उन्होंने बोला तुम जाओगे तो बना के जाना, घर वाले लोग क्या खाएंगे। तो ये अप्पी बना रही थी एक्चुअली, तो उन्होंने इसमें अनियन डाली थी और फिर इसके बाद राइस वगैरह बना दिए थे। ये जिंजर एंड गार्लिक क्यूब है, मेरी मम्मी क्या करती हैं इसको फ्रीज करके रख देती हैं, इससे ना इसका कलर चेंज नहीं होता और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यूब्स में ना, क्यूब ट्रे में जिंजर गार्लिक को आप जब पेस्ट बनाएं और उसके बाद इसे ऐसे फ्रीज होने दें, और अगर आपको वैसे डालना है ना तो उसको माइक्रोवेव कर लें कुछ सेकेंड्स के लिए, बिल्कुल वैसा पेस्ट बन जाता है। तो ऐसे हमारी मम्मी इसको रखती हैं, इसका एक हैक है ये। वैसे आप रखोगे ना बहुत दिनों तक फ्लेवर भी ख़राब हो जाता है और पता है उसका कलर भी बेकार आने लग जाता है। फिर इसमें ये सोक्ड राइस हमने डाल लिए थे और हमने ज़ीरा नहीं ऐड किया था, जस्ट नॉर्मल प्लेन राइस और वाटर डाल के सॉल्ट डाल के इसको प्रेशर को खोने दिया था। तो इससे हम इससे क्या था, घर वाले लोग और हम आराम से आ सकते थे और वो लोग घर में खुद ही खाना खा लेते, और वैसे हमारे यहाँ ना दाल चावल बिल्कुल गरम गरम पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम जब गए तभी हमने बनाया, पीछे से सबने खा ही लिया था और अच्छा बने थे, अच्छे बने थे। ठीक है, तो ये सॉल्ट में मिक्स करके आप इस स्टेज पे ना टेस्ट कर लीजिएगा कि मतलब आपके राइस में सॉल्ट ठीक है कि नहीं। और ये देखिए मेरे बर्गर हो गए रेडी, ये आलू टिक्की बर्गर थे, टिक्की मैंने बनाई हुई थी, रखी थी पहले से ही, और बस इसको फिर असेंबलिंग करनी थी, और वेजिटेबल्स कोई पसंद नहीं करता वो लोग ज़्यादा, तो मैंने सिर्फ इसमें अनियन डाला था। ये देखिए मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छी तरीके से बेक होकर आ चुका है, और ट्रस्ट मी ये बहुत टेस्टी बना था, और ये चिकन पिज़्ज़ा बना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।